आज के वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा बर्गर वाला पोस्ट बनाने वाले हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे बर्गर के पोस्ट बनाए हुए हैं, बट ये वाला थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम एक ठो AI इमेज का जो है यूज़ करने वाले हैं और जनरेट करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक कैनवा के AI फीचर्स को नहीं देखा है, तो मैं आगे से जो जितने भी वीडियोज़ लेकर के हम आएंगे उनमें हम कुछ ना कुछ अलग सा AI फीचर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हम कैसे उसको लेवरेज कर सकते हैं देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुआ है कैनवा पिछले कुछ सालों में एंड दिस मेक्स मी सुपर हैप्पी। सो अभी हम लोग करने वाले हैं, जाने वाले हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं एक बढ़िया सा पोस्टर बनाना। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ हम जाएंगे फटाक से और टाइप करेंगे पोस्ट। पोस्ट टाइप करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे इस तरीके के। आप इनमें से अगर कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट उठा करके एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट आर डिज़ाइन पे। यहाँ से आप कस्टम साइज जा सकते हो एंड वी कैन टाइप आर साइज। तो मैं जा रही हूँ 1080x1350 एंड वी हैव आर पेज। यहाँ पर हम लिख देते हैं बर्गर पोस्ट। तो सबसे पहले मुझे कुछ बहुत सारे बर्गर का इमेजेस चाहिए है यहाँ पे। तो ये पिक्चर काफ़ी अच्छी लग रही है, इसको हम कर देंगे बैकग्राउंड के रूप में सेट। यहाँ पे नाउ आई वांट ऑरेंज कलर का ग्रेडियंट, तो मैं इसको लूँगी, टर्न करूँगी इस तरीके से और मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी इसे। इसकी ट्रांसपेरेंसी हल्की सी कम करेंगे। यहाँ पर हम कलर सेट करेंगे येल्लो। इसको ऑरेंज को इस तरफ से कर देते हैं, एक काम करते हैं और इस तरफ से येलो कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। अब इसको हम ग्रुप कर देंगे कमांड जी करके और लॉक कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं करनी है। तो हम आएंगे और यहाँ से हम जो है लॉक कर देंगे। नाउ फाइन, ठीक है, अब हम अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें मेन काम करना है। तो हम पहले एक AI इमेज जनरेट करवाएंगे। यहाँ जाएंगे हम एंड आई टाइप फॉर अ गर्ल। तो मैं ये वाली इमेज के साथ जाना पसंद करूँगी अभी फ़िलहाल के लिए। एंड व्हाट वील डू इज़ हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे एक बर्गर लेकर के आएंगे डिलीशियस सा, तो लेट्स गो फॉर बर्गर। फोटोज पे जाएंगे, एक डिलीशियस बर्गर सिलेक्ट करते हैं। तो इस पे थोड़े से शेडोज़ ऑलरेडी हैं तो हम इसी के साथ जाते हैं, ये बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ इसको प्लेस करेंगे इस तरीके से। काफ़ी टाइम ले रहा है ये बैकग्राउंड रिमूव होने में। अब इन सारी इमेजेस को पहले तो हम इन्हांस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एडिट पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे, ऑटो एडजस्ट कर देते हैं, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब इनको थोड़ा सा अनग्रुप करते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी हल्की सी कम करनी पड़ेगी, ये वाले रेड की, ऑरेंज वाले ग्रेडियंट की ऐसी, और ये वाले येल्लो की भी हल्की सी कम करनी पड़ेगी ऐसे। नाउ इट इज़ मेकिंग सम सेंस, बढ़िया लग रहा है। अभी ये जो येल्लो है ये हल्का सा इनके पीछे प्लेस कर देते हैं, मोहतरमा के पीछे, बढ़िया। अब छोटा सा टेक्स्ट जो है वो नीचे ऐड कर देंगे, कोई भी सैंस से फॉन्ट में। तो मैंने यहाँ छोटा सा कोई तो भी ऐसे मनगढ़ंत एड्रेस लिख दिया है। इसका हम फॉन्ट चेंज कर देंगे, सेंचुरी रेगुलर में कर देते हैं। ठीक है, और कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, काम करते हैं, और कलर चेंज कर देंगे टू वाइट या फिर येल्लो भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग। एंड हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लेट्स गिव इट अ साइज ऑफ 16x20, बढ़िया। अब यहाँ पे हम हेडिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इतने सबको ग्रुप करके लॉक कर देते हैं, इनमें अब कुछ नहीं काम करना। ठीक है, अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं, टाइप करते हैं। आई एम गोइंग विद अ डिस्प्ले फॉन्ट। ठीक है, अभी हम डिस्प्ले फॉन्ट के लिए सर्च करते हैं, डिस्प्ले फॉन्ट में कुछ आ जाए अच्छा सा। तो फ्यूचरा जा रही हूँ मैं, फ्यूचरा के साथ। एंड हम कलर जो है वाइट लेंगे, ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियस, इसमें वाइट ही अच्छा लगेगा फिलहाल। राइट, उसका साइज़ बढ़ाकर करते हैं 60। क्यूट। अभी यहाँ पर जो है हम एक छोटा सा प्रोमो कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक बार रेक्टेंगल लेते हैं, एक बढ़िया सा, ठीक है, ऐसा ऐड करते हैं कि कोशिश करते हैं, राउंडनेस बढ़ा देते हैं हल्की सी, इसको कर देते हैं येलो। ठीक है, हल्की बॉर्डर दे देते हैं वन की, एकदम छोटी सी हल्की बॉर्डर। एंड यहाँ पर इसको इस तरीके से इसका शेडो दे देते हैं, इफेक्ट पे जाएंगे, लिफ्ट इफेक्ट। एंड हम एक सैंस वाला फॉन्ट लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले और साइंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सैंस में जाएंगे हम, सैंस सेरिफ में, सैंस में किसके साथ जाएं,
सेंचुरी के साथ ही जाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमारी ऊपर की हेडिंग बन चुकी है दोस्तों। अब हम हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट लिखते हैं जो कि फ्यूचरा में लिखेंगे हम, वो है बर्गर। और इस बार हम इस तरीके से लिखेंगे बर्गर को, इस प्रकार से बर्गर। ठीक है, ऊपर जाते हैं फ्यूचरा पे एंड इसकी लाइन स्पेसिंग कम करते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से। कूल, इसमें हम एक काम कर सकते थे, एकदम लाइटेश येल्लो दे सकते हैं, एकदम ही वाइट भी नहीं और एकदम भी येल्लो भी नहीं। और इसका जी जो है वो थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो और कूल लगेगा आई गेस। तो ज़्यादा पीछे हो गया, इसको बर्गर को आगे कर लेते हैं, लॉक स्क्रीन खोली जाए कंप्यूटर जी एंड हम बर्गर को आगे कर लेते हैं। ठीक है, कूल। अब जेल डालेंगे हम नेक्स्ट चीज़ें जो कि है कुछ और बचा कुचा टेक्स्ट। तो उसके लिए हम दोबारा रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कुछ। ठीक है, जो बचा बचा टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखेंगे, आगे पीछे करके लिखने की कोशिश करेंगे रैंडम। तो ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर क्या डाल रहे हैं और उस हिसाब से जो है कुछ नहीं, अपने लिए भी ट्राई करना। ठीक है, कॉर्नर राउंडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, कलर कर देंगे इस बार हल्का सा कोई तो भी डार्क, ये वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, एंड अब इसमें मैं कुछ तो भी टेक्स्ट लिख देती हूँ वाइट कलर में। ठीक है, तो अब इसमें हेयर की दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा जो है येलो कलर कर देंगे, क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ऑफर का जो कलर है हम सेम यही वाला कर देते हैं जो यहाँ पे है, तो उसका कलर ये कर देते हैं। सो दिस इज़ गुड आई गेस, सेव अप टू वन टाइम लिमिटेड ऑफर, सेव अप टू 399 रुपीज़। थोड़ा सा इनकी और इसकी साइजिंग सेम कर देते हैं, सेव अप टू, अरे दे दे, कॉपी स्टाइल पे जाएंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा कूल लगेगा वो, क्योंकि हयार की बैठेगी सही से। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बिठाने की कोशिश करती हूँ उसे, एंड हम इसको थोड़ा सा छोटा ऐसे कर देंगे। बढ़िया, सो वन टाइम लिमिटेड ऑफ़र वाला सीन हो गया है दोस्तों। इनका इसका साइजिंग थोड़ा सा कम करने की इच्छा हो रही है मेरी, तो मैं सोच रही हूँ कि कर ही दूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इनका अलाइनमेंट हम कर देंगे इस तरफ एंड वील रिड्यूस द साइज़ टू 24। कूल, बढ़िया लग रहा है सारा कुछ अभी। एंड या, सो दिस इज़ इट। अभी मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऊपर लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें और कुछ अगर कलाकारी करनी हो तो आप लोग कर भी सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन में। बट अगर ग्रेडियंट अगर हम लगाते हैं नीचे तो देखते हैं कैसा लगता है। ऑप्शन वन ऑप्शन टू रखना चाहिए जीवन में, तो हम देखते हैं कुछ अच्छा सा ग्रेडियंट लगा करके प्रयास करते हैं। सो इस तरीके का लगेगा, बट मुझे लगता है बिना ग्रेडियंट के वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका मत आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बर्गर के यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा शैडो के लिए, तो पीछे कर देते हैं उसे एंड यस, तो हमने ऐड कर दिया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों अभी के लिए, तो इसको डाउनलोड करते हैं एंड लेट्स सी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ ब्लू हार्ट और अ पर्पल वन, ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, आई होप दिस हेल्प्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाई।